हेलो विद्यार्थियों, आज मैं बीए पार्ट सेकंड के लिए साइंटिफिक मेथड जो है उसमें मैं साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। ये स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड में प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचने तथा नियमों सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए करने हेतु अध्ययनकर्ता को निश्चित चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें लुंडबर्ग ने पद्धति के चार चरणों का वर्णन किया है। कार्यशील परिकल्पना का निर्माण करना, वो अवलोकन एवं तथ्यों का आलेखन करना, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण एवं संगठन एवं समानीकरण। पीबी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के छह चरणों का उल्लेख किया है। अध्ययन हेतु समस्या का चुनाव करना, कार्यशील प्राकल्पना का निर्माण करना, वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता से समस्या घटना का अवलोकन करना, संकलित तथ्यों का आलेखन करना, तथ्यों का विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण तथा वैज्ञानिक सामान्यीकरण। ये सारे चरण लुंडबर्ग और श्रीमती पीवी यंग ने दिया है, लेकिन इस पद्धति में कुछ चरणें जो बताया जा सकता है, उसमें सबसे पहला जो है वो समस्या का चुनाव है, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा है अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। जब तक डिटर्मिनेशन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो फिर स्टडी का कोई मीनिंग नहीं। तीसरा है प्राकल्पना का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाई का निर्धारण करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ स्टडी एंड स्टडी टूल्स। अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन, ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, जांच या पुनः परीक्षण, वेरिफिकेशन, भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन। इस तरह जो ये स्टेप्स हैं उसमें जैसे समस्या का चुनाव है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, इसमें समस्या का चुनाव से संबंधित साहित्य या उपलब्ध सूचनाओं का अध्ययन करना होता है। काफी सोच विचार के पूर्व ज्ञान एवं पूर्व अवलोकन को ध्यान में रखकर हम प्रॉब्लम्स को, जैसे करंट टॉपिक्स को चुन लेना, जिससे समाज जूझ रही है वैसे टॉपिक्स को लेना। अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण, अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण विशिष्ट प्रकार से किया जाता है। और प्राकल्पना का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। समस्या का चुनाव हो जाने के बाद प्राकल्पना निर्माण किया जाता है। लुंडबर्ग ने के अनुसार प्राकल्पना एक काम चलाओ निष्कर्ष या सामान्यीकरण है, जिसकी सत्यता की परीक्षा करना शेष है। अवलोकन न शेष है। प्राकल्पना अध्ययन की दिशा और क्षेत्र निर्धारित करने में योग देती है। अध्ययन क्षेत्र और अध्ययन की इकाई का निर्धारण, वैज्ञानिक पद्धति का एक प्रमुख चरण है, जिसमें चुनाव, बहुत लोगों ने इकाइयों का चुनाव कर लिया है और फिर अध्ययन के लिए निर्धारित करते हैं।
तो अध्ययन पद्धति और यंत्रों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ स्टडी एंड स्टडी टूल्स, क्षेत्र इकाई का निर्धारण कर पश्चात एक इंटरव्यू गाइड भी तैयार होता है, इंटरव्यू गाइड, साक्षात्कार निर्देशिका, अनुसूची अथवा प्रश्नावली का प्रयोग करना है या वैतिक अध्ययन पद्धति पर किसी अन्य तिथि विधि का, तो किसी अन्य विधि का यदि वह साक्षरता विधि के का प्रयोग कर रहा है तो ठीक है। अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन, ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा, जब विषय सामग्री के या घटनाओं का सूक्ष्म एवं भावनात्मक पूर्ण अवलोकन किया जाता है और उसे संकलित कर लेते हैं, तो इस तरह काफी इम्पोर्टेंट लोग हुए हैं देश में। तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण, व्याख्या आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है और इसमें सामान्यीकरण किया जाता है, अर्थात वर्गीकरण एवं समाजीकरण दोनों आधार पर निष्कर्ष निकालने और समान नियम बनाए जाते हैं। अब ये जांच या पुनः परीक्षण बिना किसी सामान्य निषयों को के ये फिर से वेरिफिकेशन किया जाता है, निष्कर्षों या नियमों की जांच की जाती है, पता लगाया जाता है कि सार्वभौमिक रूप से सही है या नहीं, भविष्यवाणी प्रिडिक्शन, एकत्रित तथ्यों से प्राप्त निष्कर्षों के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है अथवा इसमें प्रिडिक्शन में भविष्यवाणी की जाती है, भविष्य की घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस प्रकार जब किसी विषय की अध्ययन वस्तु इस वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है, तभी वह विषय सामग्री समझने का अधिकारी हो जाते हैं। यही ज्ञान के संचय का आधार वैज्ञानिक पद्धति आधार आधार के लिए ज्ञान के संचय का आधार वैज्ञानिक पद्धति ही है। वैज्ञानिक विधि से प्राप्त ज्ञान में कुछ कमियां भी रह जाती हैं। नवीन पुनः वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेता है और ऐसा बार बार करना पड़ा है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास।